नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल का उपयोग दस्त को रोकने के लिए किया जाता है। दस्त लगने के कारण आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है और डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको तरल खाद्य पदार्थों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, या आप इलेक्ट्रोल पाउडर को पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। रेसिकाडोट्रिल एक सॉल्ट नेम है। रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को जीडोट और रिडोटिल आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल 100mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर रेसिकाडोट्रिल 100mg कैप्सूल को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द, उल्टी आने का मन होना और त्वचा पर रैशेस हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल केवल दस्त को रोकता है। रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल पेट के इन्फेक्शन को ठीक नहीं करता है। अगर आपको दस्त, फूड पॉइजनिंग या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुए है, तो आपका डॉक्टर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल के साथ साथ आपको एंटीबायोटिक दवाइयां भी लेने की सलाह दे सकता है। अगर आपको दस्त किसी इन्फेक्शन की वजह से हुए है और आप दस्त को रोकने के लिए केवल रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर की आंतों में इन्फेक्शन ज्यादा गंभीर हो सकता है, इसलिए रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को लगातार 7 दिन से अधिक लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार 7 दिन से अधिक रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका रेसिकाडोट्रिल कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।